हेलो गाइस, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 10:30। भाई मैं उठ गई हूँ, मैंने कर लिया पूजा। आज बेटी गई है कोचिंग और सीनियर नागर साहब उठे हैं सो के, और आज मैंने मशीन भी लगाई है, कपड़े धोने हैं मुझे। तो भाई अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने लड्डू गोपाल। तो गाइस ये रहा मेरा लड्डू, ये मेरे राधे कृष्ण है, राम दरबार है, ये शिव परिवार है, बजरंग बली बाबा है। लड्डू खा रहा आज मिश्री और दूध। ये प्रभु जी हैं, ये माँ है, ये मेरे प्रभु स्वामी नारायण है। तो भाई पूजा हो गई है, कपड़े धो रहे हैं और अब कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मैं नागर साहब, मैंने बनाई है उनके लिए वेजिटेबल टोस्ट, तो हम दोनों टोस्ट खाएंगे, चाय पियेंगे। अब चाय बनाई थी मैंने, बेटी तो ऐसी चली जाती है, बस पैसे ले जाती है वो। सुबह सुबह कहती मुझे बहुत हल्का सा था चाय बनाने में, तो वैसे ही चली जाती है। तो वही मैंने चाय बनाई है, टोस्ट बनाया है। मेरे नागर साहब कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, सीनियर नागर साहब भी उठ गए हैं। तो गाइस जैसा कि कल मैंने जूनियर और सीनियर का प्रैंक करा था, कल मैंने उनका गिफ्ट मंगवाया था, तो आज भाई वो गिफ्ट आएगा। और दोनों के साथ मैंने प्रैंक कर दिया था कल, दोनों को एकदम सीरियसली बोल दिया था कि पापा ने मना कर दिया है, लेकिन ये चीज़ मुझे और मेरी बेटी को और नागर साहब को पता है। और मेरी बेटी ने उनके साथ फुल प्रैंक किया था कल, बहुत बहुत ही मज़े लिए उसने। और जूनियर नागर साहब तो आंसुओं से रोने लगा कि ये तो गलत बात है, पहले आप बोलते हो फिर आप मना कर देते हो। तो भाई आज देखते हैं कि जूनियर नागर साहब का रिएक्शन कैसे होगा। अभी तो वो सो रहा है, अभी तो वो उठा भी नहीं है। और जहाँ से गिफ्ट आएगा उनका फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन उठाया था, मैंने बात की थी, तो वो कह रहे थे कि मैम 2:30 बजे तक आपका गिफ्ट आपके घर आ जाएगा। तो जूनियर नागर साहब अभी सो रहा है और उसको मैंने बताई भी नहीं ये चीज़। और जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी जूनियर नागर साहब का कैसा है और सीनियर नागर साहब का कैसा रिएक्शन है। तो गाइस जूनियर नागर साहब गया है ट्यूशन और उसका गिफ्ट आ गया है और उसे मिलेगा बर्थडे गिफ्ट। तो बेचारा सुबेरे से इंतज़ार कर रहा है, कभी रोड पे खड़ा हो रहा है, कभी घर में खड़ा हो रहा, बार बार परेशान हो रहा। और मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि गिफ्ट ना आएगा, बस मम्मी पापा कैसे मनाऊं कि मेरा गिफ्ट दिला दे। और हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसे कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, ऐसे लग रहा है उसे कि मतलब ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे कुछ ना दिला रहे। बेचारा बहुत परेशान हुआ, पहले जिम चला गया, फिर मस्का मारा, फिर ट्यूशन चला गया, और फाइनली जैसे ही ट्यूशन गया एकदम से उसका गिफ्ट आ गया। तो बेटी भी आ गई मेरी अब कोचिंग तक, तो बेटी भी बहुत खुश हो रही है कि मम्मी उसे सरप्राइज देंगे। तो अब आने वाला है उसका गिफ्ट, मैं आपको फिर दिखाती हूँ क्या गिफ्ट मंगवाया भाई मैंने उसके लिए। तो गाइस आ गया है हमारा सरप्राइज जूनियर नागर साहब का। राम राम जी। नागर साहब ले आए हैं, अब हम दिखाते हैं कि करती हूँ ओपनिंग। आई होप आप पसंद आएगा उसका गिफ्ट। ऐसे नाम नहीं जाता। ला इधर आ, वो कहो सच में। ए कुत्ते कितने सॉरी डुग्गू कितने खिला लो, यू ऐसे ही रहेगा। तो गाइस हमारा आया है जर्मन शेफर्ड, और क्या कह रहे हैं जर्मन शेफर्ड। अब भाई इसे बहुत जोर की भूख लग रही है, और इसका जो मेन ओनर है वो अभी ट्यूशन गया है, उसे अभी उसे पता भी ना है। और मैंने तो इसे उसे जो इसके जो इसे लेके आए भैया उनसे पूछा है कि भाई इसे डाइट में क्या खिलाना, तो उन्होंने बोला है कि दूध नहीं देना इसको, इसको रोटी और बाकी सब चीज़ देना, बस दूध मत देना, दूध से कीड़े हो जाएंगे इसके पेट में, ऐसा कुछ होगा। भाई छोटा बेबी है अभी ये, तो भाई मैंने इसे रोटी दी तो रोटी खा रहा है। अब इसके लिए मंगवाऊंगी मैं सेरेलैक, बताया उन्होंने एप्पल वाला, वो मंगाऊंगी, और इसके बिस्किट मंगाऊंगी जो होते हैं डॉग वाले, वो मंगाऊंगी इसके लिए। तो अभी तो ये खेल रहा है, भूखा है, छोटा सा तो बेबी है, कितना प्यारा सा है। गाइस देखो नागर साहब गाइड कर रहे हैं यार डुगू, अरे यार देखो कल तो तराजी हो रही है, अब सोफा बैटरी चढ़ चढ़ के डुगू देखो। इसे कुछ बॉल सी दे दो, खेल है कोई
खेलना चाह रही कुछ है ना बोल सी टेढ़ा कैसे चल रहा है अरे चले पीछे तो छोटे से रह रहे नागर साहब के कुट्टी ना देख तो गाइस हमारे घर आया जर्मन शेफर्ड कम ऑन वो पे तो बोलना मिला आवे नो यू जूनियर नागर साहब की गिफ्ट है बहुत खुश हो जाएगा अभी ट्यूशन गया आते ही खुश हो जाएगा इसे देख के और देख डर ये डरा रही है सीधी खड़ी रह कुछ ना कहे अमीर बेटी देख खुश हो रही है खुश हो देखो देखो बैठगा अंदर खाना खा रहा देखो रोटी खा रहा रोटी चला काट ले तो गाइस देखो नागर साहब कैसे प्यार कर रहे हैं रोटी खवा रहे तोड़ तोड़ के आयो अब समझन लगो अभी यार हम एक दो बार हमने डुबू कही है समझ गए कि मोयू बुला रहे हैं इंटेलिजेंट डॉग ही है भाई बहुत देखो नागर साहब तो प्यार कर रहा घूम ही आवे नागर साहब दूर आके खड़ो हो जा डुगो आ जा देखा नागर साहब के थोड़े आवे नहीं कही हुई है रोटी देखो कैसे खा रहा चूहा सा एक एक टुकड़ा छोटे छोटे ओ देख खेल रहा अभी नागर साहब की यार काट मेरे को डर लग गया थोड़ा सा डगो तो गाइस डुगू भागो मेरे पीछे भाई मैं तो डर गई क्योंकि मुझे तो डॉगी के साथ रहने की आदत ना है एकदम मेरे पीछे ऐसे जोड़ के भागे जैसे मुझे खा जाएगा और अभी सो रहा दिखाती हूँ देखो कैसे सो रहा है अभी भाग लिया खेल लिया इसने पोटी कर ली वॉशरूम कर ली और अब थक गया और अब सो गया देखो कितना प्यारा लग रहा सोता हुआ इतनी शैतानी करी पूरे घर में पानी बखेर दिया जूते बखेर दिए पूरा गंद मचा दिया छोटे बच्चे की तरह रब सो गया थक गया क्यूटी से तो गाइस मैंने मंगाई है कि खेलने की बॉल अब देखो कैसे खेल रहा हूँ अरे मंगाया मैंने इसके लिए सेरेलैक एप्पल फ्लेवर में है जिसने मुझे दिया उसने बोला था कि इसको दूध मत देना सेरेलैक देना गुनगुने पानी में तो भाई इसके लिए मैं सेरेलैक मंगाया है हो गया अपनी बॉल की गेम खुश है देखो छूता भी कब जाने बॉल भी जूनियर नागर साहब भी कुछ ठीक ना है कि पीछे पीछे है देखो एक खुशी का ठिकाना ना नागर साहब कैसे लगा सरप्राइज नागर साहब अपनी बॉल में खुश है देखो अपनी बॉल के खुश है तो बाहर जाएगा देखो बस अपनी बॉल चाहिए सर दुकान ठंडी हवा ठंडी हवा ओ युगा कार्ट भी दी यानी कार्ट भी दी बॉल है ना गाइस देखो कैसे खा रहा है यू खा रहा है अपना सैरो लेक अप जूनियर नागर साहब ने दिया इसे देखो कैसे खा रहा है क्यूटी पर शैतानी बहुत कर रहा भाई यू है ना यू दे अब तो बड़ी खुशी हो रही है तो भाई मैं बता रहा हूँ डर कैसे बैठा हुआ है तो उनके नीचे नहीं उतरेगी मम्मा वो काट नहीं देते थोड़ा सा मार देगा डर जाता है फिर पीछे हो जाएगा वो मैंने मारा था और भौंकन लगा तेज की वो पे भौंक रहा है डरी रस से वो तो आप ही डर आएगा डर जाएगा ना आपको देख के प्राइस
प्रांजल ते ना, प्रांजल ते डर रहा है, प्रांजल के सामने तो ही खड़ा बैठ भी ना रहा। या देखो या डुगू वाला डुगू है, जूते की बात लगा दी मेरे बेचारे जूते ने ले। औरी भाई, औरी भाई। तो गाइज आया है हमारे जर्मन शेपर्ड, नाम नातम हो पे भाई, डॉगी आया है। तो उसका नाम सोच रहे क्या रखे, तो भाई मैं चाहूंगी कि आप लोग भी कमेंट करें कि उसका नाम क्या रखे। तो अभी वो खेला है, खाया पिया है, घुमाया है, अब उसे एक रूम में बंद कर दिया सोने के लिए। तो भाई आज का व्लॉग करती हूँ मैं एंड, आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जैसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि हम उसका क्या नाम रखें।